शेख अब्दुल कादिर जिलानी जिन्हें मोहियद्दीन महबूब सुबहानी गौसल सकलैन और गौसल आज़म के अलकाबात से भी जाना जाता है, जो सुन्नी हम्बली तरीके के नहायत अहम सूफ़ी शेख और सिलसिला कादरिया के बानी हैं। आपकी पैदाइश शब अवल रमज़ान 470 हिजरी ब मुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी में ईरान के सूबा करमानशाह के शहर मगरबी गिलान में पैदा हुए, जिसको किलान भी कहा जाता है और उसी लिए आपका एक और नाम शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी माखूज है। कहा जाता है वो जिलान बगदाद के जुनूब में 40 किलोमीटर के फासले पर वाक़ इराकी तारीखी शहर मदाउन के करीबी शहर मगरबी गिलान में या उसके करीब इराकी गांव बश्तीर में पैदा हुए थे। शेख अब्दुल कादिर गिलानी का ताल्लुक जुनेद बगदादी के रूहानी सिलसिले से मिलता है। शेख अब्दुल कादिर गिलानी की खिदमत और अफकार की वजह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुस्लिम दुनिया में गौसल आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया है। आपका शुजरा सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त बिन अब्दुल्ला अल जेली बिन सैयद यहया जाहिद बिन सैयद मोहम्मद मोरिस बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद मूसा अलजोन बिन सैयद अब्दुल्ला सानी बिन सैयद अब्दुल्ला अल महज बिन सैयद हसनुल मुसना बिन सैदना इमाम हसन बिन सैदना अली करमल्ला वजह से मिलता है। नाज़रीन तमाम उलमाए औलिया इस बात पर मुतफिक हैं कि सैदना अब्दुल कादिर जिलानी मादरजाद यानि पैदाइशी वली हैं। आपकी ये करामत बहुत मशहूर है कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में तुलुए फजर से ग्रुप आफ्ताब तक कभी भी दूध नहीं पीते थे और ये बात गिलान में बहुत मशहूर थी। तहसील इल्म के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद शहर को छोड़ा और इराक़ के सहराओं और जंगलों में 25 साल तक सख्त इबादत और रियाजत की। 1127 में आपने दोबारा बगदाद में सुकूनत अख्तियार की और दरस व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जल्द ही आपकी शोहरत व नेकनामी बगदाद और फिर दूर दूर तक फैल गई। 40 साल तक आपने इस्लाम की तबलीगी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लिया, नतीजतन हज़ारों लोग मुशरफ बाय इस्लाम हुए। नाज़रीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुख्तलिफ औकात में 4 शादियाँ की, जबकि अज़्दवाजी ज़िंदगी का आगाज़ 50 बरस की उम्र से किया। नाज़रीन तारीख के मुताबिक शेख अब्दुल कादिर जिलानी की 4 अज़्वाज से 49 बच्चे पैदा हुए, 20 लड़के और बाकी लड़कियाँ थीं। आप हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, अहले दिल की सोबत अख्तियार कर ताकि तू भी साहिब दिल हो जाए। एक और जगह फरमाया, मेरा मुरीद वो है जो अल्लाह का जाकिर है और जाकिर में उसको मानता हूँ जिसका दिल अल्लाह का जिक्र करे। आपको ज़िंदगी में कई अलकाब मिले जिनमें गौसल आज़म पीरान पीर दस्तगीर मोहियद्दीन शेखुल शयूख सुल्तानुल औलिया सरदारुल औलिया कुतुब रबानी महबूब सुबहानी कंदील ला मकानी मीर मोहियद्दीन इमामुल औलिया अल सैयद अल सनद कुतुब ओहद शेखुल इस्लाम ज़ईमुल उल्मा सुल्तानुल औलिया कुतुब बगदाद बाज़े अशहब अबू सालेह हसनी अबन हुसैनी उमन हम्बली मजहबन शामिल हैं। हज़रत अब्दुल कादिर गिलानी का यह मशहूर फरमान है कि कब्र हुसैन पर अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं जो कयामत तक रोते रहेंगे। नाज़रीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तालिबीन हक के लिए 10 से ज़्यादा किताब तहरीर किए हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी का इंतकाल 1166 को हफ्ता की शब 8 रबीउल अव्वल 561 हिजरी को 89 साल की उम्र में हुआ और आपकी तदफीन आपके मदरसे के अहाते में हुई।